नमस्कार, डीवी न्यूज में आपका स्वागत है। चलिए तो रुख कर लेते हैं मौसम की ओर। सर्द हवाओं ने पूरे मध्य प्रदेश में सहरन बढ़ा दी है। दतिया में मंगलवार बुधवार की रात सबसे कम 12.3 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड हुआ है। 17 जिलों का न्यूनतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस से कम रहा। वहीं हिल स्टेशन पचमढ़ी में तापमान 12 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। वहीं राजधानी भोपाल में रात के समय कुछ बादल छाए रहने से रात का तापमान मंगलवार के मुकाबले 2.2 डिग्री बढ़कर 15 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया है। मौसम विभाग के मुताबिक पिछले दिनों उत्तर भारत के पहाड़ों पर बर्फबारी के साथ मैदानी क्षेत्रों में बारिश भी हुई थी। इसके साथ ही हवाओं का रुख उत्तरी व उत्तर पूर्वी होने से पूरे मध्य प्रदेश में ठंड बढ़ने लगी है। इस समय उत्तर भारतीय क्षेत्र में कोई भी प्रभावी मौसम प्रणाली सक्रिय नहीं है। IMD के मुताबिक हवाओं का रुख उत्तरी व उत्तर पूर्व बना हुआ है। इस कारण से दिन रात के तापमान में गिरावट होने लगी है। अभी 3-4 दिन तक मौसम का मिजाज इसी तरह बने रहने की संभावना है। मौसम विभाग की माने तो आने वाले हफ्ते में पश्चिमी विक्षोभ मध्य प्रदेश को प्रभावित कर सकता है। उत्तरी भारत में होने वाले मौसम के बदलाव के कारण वहां से कुछ नमी मध्य प्रदेश में भी आएगी। इससे कुछ स्थानों पर बूंदाबांदी होने के आसार हैं। प्रमुख शहरों में न्यूनतम तापमान की बात की जाए तो दतिया में 12.3, ग्वालियर में 12.4, रायसेन में 13.2, बैतूल में 13.4, गुना में 14.6, उज्जैन में 15.4, मलाजखंड में 14.1, इंदौर में 29.4 और जबलपुर में 28.6 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज हुआ है। वहीं आने वाले महीनों में प्रदेश में कड़ाके की ठंड बढ़ने वाली है, जिसके लिए आम नागरिकों ने अब अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। वहीं प्रदेश के कुछ हिस्सों में तो अभी से ठंड ने अपने पैर पसार लिए हैं। मौसम से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए देखते रहें DB न्यूज़।